वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज है वीडियो नंबर 43 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका स्टाफिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस टुडेज आवर टॉपिक इज सिलेक्शन। क्या होता है सिलेक्शन? इससे पहले हम लोगों ने देखा समझा रिक्रूटमेंट क्या होता है। ओके अब आते हैं सिलेक्शन। तो देखिए जो लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो लोगों ने अप्लाई किया था, ओके जिन कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना ही सिलेक्शन है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्शन। मान लो अप्लाई किया था 1 लाख कैंडिडेटों ने, ओके इनमें से चूज किया हम लोगों ने 100, टॉप 100, इसी प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ परस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर ए जॉब। ओके जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे उनमें से बेस्ट कैंडिडेट चूज करना, उसी प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्शन। कोई दिक्कत? चलो सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन करने का कुछ प्रोसेस है कि नहीं? तो पहला प्रोसेस है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म। अब जिन लोगों ने, यही बात है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से जो फिट नहीं बैठ रहा है, जो अनक्वालिफाइड है, मतलब आपको मान लो आपको चाहिए बीकॉम पर वो है 12th पास, फिर किसी पोस्ट के लिए चाहिए आपको एमकॉम पर वो है बीकॉम, ठीक है, किसी पोस्ट के लिए आपको चाहिए एमटेक पर वो है अभी बीटेक, तो अनक्वालिफाइड है उस हिसाब से, उस जॉब पोजीशन के हिसाब से तो अनक्वालिफाइड हुआ है कि नहीं। अगर किसी को चाहिए मान लो एमबीए, ओके अब वो करके रखा है अभी बीबीए, ओके तो इसके लिए वो अनक्वालिफाइड है उस जॉब पोजीशन के लिए, तो उसको एलिमिनेट करना, मिसफिट जो फिट नहीं बैठा है कैंडिडेट, वही एक ही बात हुआ, जो फिट नहीं बैठा है उस जॉब पर उसको हटाना। ओके किस बेसिस पे ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन फॉर्म, जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है कैंडिडेट ने कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है, उस बेसिस पे। ओके क्लियर? पहला स्टेप ये है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहला प्रोसेस ओके स्क्रीनिंग करना, ओके जो मिसफिट है जो अनक्वालिफाइड है उनको एलिमिनेट करना। ओके नंबर टू सिलेक्शन टेस्ट, कुछ टेस्ट भी होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू कंडक्ट रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द फिजिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। ओके फिजिकल नॉलेज जांचने के लिए कैंडिडेटों का क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। ओके द कॉमन टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर, अब कुछ कॉमन टेस्ट है ओके जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाता है। ओके तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार डिटेल में। नंबर ए इंटेलिजेंसी टेस्ट, पहला है आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट। दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी कोटेंट आईक्यू टेस्ट मेजर करने के लिए, कैंडिडेट का आईक्यू लेवल कैसा है उसको मेजर करने के लिए इंटेलिजेंसी टेस्ट करवाया जाता है। ओके नंबर बी एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। एक कैंडिडेट के अंदर नए नए चीजों को, नए नए तरीके को, नए नए मेथड को, नए नए स्किल को सीखने के लिए कितनी क्षमता है उसके अंदर, कितनी क्षमता है और कितनी पोटेंशियल है उसके अंदर। ओके उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाता है, ज्यादातर इसमें मैथ्स होता है। ओके अगर मैथ्स आता है तो नए नए चीजें, नए नए मेथड सीखने के लिए वो एकदम फिट है। ओके वो सीख सकता है नए नए चीजें। ओके नंबर सी पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। एक कैंडिडेट कैसे बिहेव करता है, ओके एक एम्प्लॉई कैसे बिहेव करेगा, ओके अलग अलग सिचुएशन में उसको टेस्ट किया जाता है, ओके वो मोटिवेटेड रहता है कि नहीं, ओके काम को लेके निगेटिव फीलिंग रख के काम करता है या पॉजिटिव फीलिंग रख के काम करता है कि नहीं, तो उसका एटीट्यूड लेवल है कि नहीं, तो हर चीज टेस्ट किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। द मोटिवेशन लेवल ऑफ द कैंडिडेट, मोटिवेशन लेवल कैसा है, मोटिवेटेड रहता है कि नहीं काम करते वक्त, है कि नहीं, मैं मन से करता है कि नहीं करता है कि नहीं, ये सब यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ट्रेड टेस्ट, अब ये देखो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखो एग्जिस्टिंग स्किल मतलब जो जॉब पोजिशन उसको मिल रहा है, ओके उसमें उसका नॉलेज है कि नहीं, मान लो उसको मिल रहा है मार्केटिंग का, ठीक है तो मार्केटिंग में उसको नॉलेज है कि नहीं ये चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट, ट्रेड मतलब बिजनेस है कि नहीं, तो ट्रेड टेस्ट, तो मार्केटिंग में मान लो मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में नॉलेज है कि नहीं, अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में उसको नॉलेज है कि नहीं ये चेक किया जाता है। ओके इंटरेस्ट टेस्ट, अब देखो जिस जॉब पोजिशन में उसको बैठाया जा रहा है, जो जॉब पोजिशन उसको ऑफर किया जा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट है कि नहीं,
लेकिन मान लो उसका इंटरेस्ट है अकाउंट्स में और उसको दे रहे हो मार्केटिंग का जॉब, तो ये चेक किया जाता है। ओके, तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ जॉब इन व्हिच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट, कैंडिडेट का ज्यादा इंटरेस्ट किस टाइप्स ऑफ जॉब में है। ओके, एज ऑल द पीपल हैव फैसिनेशन फॉर सम जॉब अदर देन अदर। ओके, सबका अलग अलग है ना, सबका चॉइस अलग है कि नहीं, सबका मतलब स्किल भी अलग अलग होता है कि नहीं, किसी को अकाउंट्स अच्छा लगता है, किसी को मैनेजमेंट अच्छा लगता है करके, है कि नहीं, तो अलग अलग है, तो इसीलिए इनको देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है इंटरेस्ट टेस्ट कि उनका इंटरेस्ट किस में है। ओके, तो ये है कुछ सिलेक्शन टेस्ट। ओके, क्या क्या था, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर थर्ड, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आफ्टर सिलेक्शन टेस्ट जो कैंडिडेट टेस्ट में सारे टेस्टों में पास हो जाते हैं उनको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओके, ऑल दोस एप्लीकेंट हू क्वालिफाई द टेस्ट, जो भी एप्लीकेंट क्वालिफाई कर जाते हैं टेस्ट में उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। अब देखो इंटरव्यू कौन लेता है, इंटरव्यू लेता है एक्सपर्ट लोग, है कि नहीं, तो अपने अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कैंडिडेट से, कैंडिडेट का जो क्वालिफिकेशन है उस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ जनरल नॉलेज वाले भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जिस जॉब में वो जा रहा है उस रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन कर देते हैं, है कि नहीं। तो एक्चुअली क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, इंटरव्यू तो करवाते ही करवाते हैं, क्योंकि रिटन टेस्ट होना इंटरव्यू पक्का होगा। ओके, तो क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि बिहेवियर कैसा है, कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, निगेटिविटी के साथ रहता है या पॉजिटिविटी के साथ रहता है, मोटिवेटेड रहता है कि नहीं, है कि नहीं, अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने से गुस्सा तो नहीं हो जाता है, तो हर चीज को परख लेते हैं हम, है कि नहीं। और इसमें कैंडिडेट को भी चांस मिल जाता है कि वो भी पूछ सकते हैं, कैंडिडेट भी पूछ सकते हैं कि मेरी सैलरी क्या होगी, मेरी पोस्टिंग क्या होगी, तो हर चीज का फायदा हो जाता है इंटरव्यूअर को भी और इंटरव्यूवी को भी। इंटरव्यूअर मीन्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूवी मतलब जो कैंडिडेट है। ओके, नंबर फोर, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब इंटरव्यू के बाद एक कैंडिडेट इज जनरली रिक्वायर्ड टू गिव नेम एंड एड्रेस ऑफ सम रेफरेंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। रेफरेंस मतलब क्या, उनको उनके बारे में पता लगाया जाता है, एक्चुअली उनको दिया जाता है कि उनके एड्रेस मांगा जाता है किसी आदमी का, किसी टीचर का मान लो, है कि नहीं, ओके, किसी ने अपने नेबर का, है कि नहीं, तो उनसे एक्चुअली ये क्यों मांगा जाता है, बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि इनका बैकग्राउंड कैसा है। ये जो कैंडिडेट हमने सिलेक्ट किया है, इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में ये पास हो गया और जब मैंने हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ओके, तो उसका बैकग्राउंड कैसा है, ओके, कुछ एफआईआर वगैरह तो नहीं है, ओके, कुछ मतलब सोसाइटी में उसका मतलब क्या है, कुछ निगेटिविटी तो नहीं फैला हुआ है, ओके, तो ये सब देखने के लिए क्या होता है, रेफरेंस मांगा जाता है उसका, टीचर्स का हो गया, नेबर का हो गया, इस तरीके से रेफरेंस मांगा जाता है। ओके, नेम एड्रेस के साथ और बैकग्राउंड चेक किया जाता है। कैंडिडेट सक्सेसफुल इन इंटरव्यू आर जनरली इन्वेस्टिगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस अप्लाइड बाय देम। जो रेफरेंस देते हैं कैंडिडेट उस बेसिस पे उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ओके, कि कुछ मतलब एफआईआर वगैरह तो नहीं हो रखा है उनके बारे में, है कि नहीं, कुछ पुलिस केस वगैरह तो नहीं है। ओके, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, रेफरेंस मांगते हैं कंपनी वाले। ओके, अब देखो हो गया, ये भी चेक हो गया, उनका बैकग्राउंड भी चेक हो गया, सही हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा। ओके, अब देखो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, टेस्ट में पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, रेफरेंस चेक हो गया, कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है, नेबर से पता चलता है कि हाँ ये कैंडिडेट बहुत ही नॉर्मल है, ओके, कोई एफआईआर वगैरह नहीं है इस पे, ओके, तो उसके बाद क्या होता है, इन सिलेक्शन लिस्ट एंड मैनेजर सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। उसके बाद फिर से वो जो सिलेक्शन लिस्ट आता है, मान लो 100 लोगों का लिस्ट आ गया, ओके, 100 लोग पूरा बैकग्राउंड सब सही है, इंटरव्यू वगैरह सही है, तो 100 लोग आ गए, ओके, और सीट कितना है 20, तो फिर उसके बाद एक्सपर्ट जो मैनेजर्स होते हैं फिर डिसाइड करते हैं आपस में और फिर वापस चुनते हैं। ओके, तो वही है सिलेक्शन डिसीजन, द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, ओके, आर इंक्लूडेड इन सिलेक्शन लिस्ट एंड द मैनेजर सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट, और उस लिस्ट से मैनेजर मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट चुनते हैं। ओके, नंबर 6, उसके बाद चुन लेने के बाद अब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, मतलब अब नहीं होने वाला है, तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि नहीं। मान लो अब वो कंपनी में काम कर रहा है कि नहीं, तो कुछ उसको कुछ दिक्कतें वगैरह तो नहीं है, कुछ हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बहुत कुछ देखा जाता है कि नहीं। अभी तो जैसे कोरोना की पीरियड चल रही है, तो कोरोना टेस्ट होता ही होता है कि नहीं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट सिलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट, है कि नहीं, तो फिटनेस टेस्ट में उनको भेजा जाता है, अगर वहां भी पास हो गए तो जॉब ऑफर।
जॉब ऑफर कर दिया जाता है। द एप्लीकेंट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन जॉब ऑफर थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब आप ये लीजिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपका मेडिकल टेस्ट भी एकदम नॉर्मल आ गया है। नंबर एट एंड नंबर लास्ट ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, अब एक्सेप्ट कर लिया अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया, इट रेफर्स टू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर। अब साइनिंग, अब साइन करेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में साइन होगा। ओके द कॉमन कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जॉब टाइटल, क्या जॉब है, क्या क्या रहता है, क्या कॉन्टेंट क्या रहता है उसमें, ओके क्या जॉब है, ड्यूटी क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पे क्या है, कितने पे होंगे, अलावेंस डीएनएस अलावेंस है, ट्रेवलिंग अलावेंस है कि नहीं, कितने घंटे काम करने हैं, लीव कितना मिलेगा महीना में, है कि नहीं, तो हर कुछ बताया हुआ रहता है। अगर मान लो आपने एक दिन लीव ले ली तो कितने पैसे कटेंगे, हर कुछ उसमें रहता है। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करो। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू वन लाइक।